Assalamu alaikum and welcome back to Ginger Sports YouTube channel. You all are watching Ginger Sports Show and today we are going to talk about Shoaib, Akhter vs Harbhajan Singh, which was a lot of peak, a lot of hype, which you can say is a controversy, you can say it's a mistake, you can say it, whatever you want to say it. But now, both are not on one page, but they are sitting in a place and they have talked about it. But it's a fun time to talk about it, and in Pakistan and India match is a fun time. So today, Shoaib, Akhter and Harbhajan Singh ka सलाम क्रिकेट जो कि स्पोर्ट्स तक का है उसके ऊपर इंटरव्यू आप लोग जाकर के देख भी सकते हैं और वो इंटरव्यू ये है कि शोएब अख्तर और हरभजन सिंह साथ बैठे उन्होंने आपस में बातचीत की पुराने उन्होंने अपने वाकयात दोहराए कि पास में क्या होता रहा है क्या सारा सिनेरियो रहा है और शोएब अख्तर ने अपनी वो बातें फिर से दोहराई जो कि वो आज सुबह की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं उन्होंने कहा कि इंडियन टीम टायर्ड हो सकती है आईपीएल खेल के आ रही थोड़ी थकी हुई सी हो सकती है ये शोएब अख्तर का यहां पर कहना जरूर था लेकिन उसको यहां पर डिफेंड किया हरभजन सिंह उन्होंने कहा कि इंडिया की टीम जिस लेवल पे पहुंच चुकी है ना वो लेवल बहुत ऊपर है और वो लेवल बहुत ही ज्यादा ऊपर और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम पहले ये थे कि पाकिस्तान के पास बड़े अच्छे किस्म के फास्ट बॉलर्स होते थे मतलब वसीम अकरम वकारी और शोएब अख्तर जैसे फास्ट बॉलर्स होते थे इंडिया चाहता था कि इंडिया के पास भी ऐसे फास्ट बॉलर्स हो ना ऐसे बैट्समैन अच्छे किस्म के बैट्समैन हो तो आज वो स्टेज आ चुके हैं कि इंडिया ने ऐसे बैट्समैन और बॉलर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और इंडिया की बॉलिंग भी अब कमाल की हो रही है जसप्रीत बुमराह उमेश यादव भुवनेश्वर कुमार मोहम्मद सिराज उमरान मलिक इन सबका नाम लिया यहाँ पर हरभजन सिंह ने और वहां पर एक मजाया किस्म का जो आप कह सकते हैं ना एक फनी पॉइंट तब था जब यहाँ पर हरभजन सिंह ने कहा कि मैं मेंटरशिप करके आया हूँ तो शोएब अख्तर ने कहा व्हाट इज मेंटरशिप उन्होंने कहा मेंटोरशिप करके आया हूँ मेंटोर था मैं के आर के मेंटोर से था नॉट फ्रॉम तो यहाँ पर एक इंग्लिश में बड़ा उन्होंने मतलब मजाक टाइप किया तो एक ये अच्छा था उसके साथ साथ यहाँ पर जो स्टार्ट में उन्होंने बात हुई कि किसको एज होगा हासिल कौन आज फेवरेट जाएगा तो यहाँ पर भी शोएब मलिक का कहना था कि पाकिस्तान की टीम के अंदर बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ गए हैं शोएब मलिक मिडल ऑर्डर में आ गए वो हमें एक्सपीरियंस देंगे तो ये पाकिस्तान को बड़ा अच्छा जो है ना स्ट्रेंथन करेगी शोएब मलिक की इंक्लूजन ये यहाँ पर उनका कहना था और आई थिंक सो करेगी भी शोएब मलिक इंक्लूजन पर अगर शोएब मलिक परफॉर्म करते जो कि मुझे मुश्किल नजर आ रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि अब जो चेंजेस हुए हैं शोएब अख्तर ने उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा पाकिस्तान टीम को और वो वॉक ओवर के ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू की गई और उसके ऊपर भी डिस्कशन तो ओवरऑल काफ़ी मज़ा आया इसको देखने का और अभी इस वक्त जो शोएब अख्तर की प्रेडिक्शन लग रही है वो यही है कि वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि पाकिस्तान 24 अक्टूबर को इंडिया को हराने जा रहे हैं और हो सकता है कि हिस्ट्री क्रिएट हो जो उनकी सारी बातों से आप समझ कर सकते हैं उनकी प्रेडिक्शन वो यही हम हर पाकिस्तानी यही चाहेगा प्रेडिक्शन भी यही देगा कि पाकिस्तान इस दफा तो जीत रहा है और इस दफा पता नहीं कोई अलग से गट फीलिंग आ रही है कि अब 47 घंटे बाद पाकिस्तान इंडिया को हरा दिया होगा और बहुत मजा आने वाला चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपको पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप की हर न्यूज इसी चैनल पर मिलने वाली है टेक केयर गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़